प्रथम तहलका न्यूज। मैं भेजता हूँ, टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ, एक बार उनसे बात करो। मैं बाहर हूँ आज, वहीं है। ठीक है साथ। सर कल हम यूनिवर्सिटी गए थे, मैं आईजू स्टूडेंट हूँ, एमकॉम ऑनर्स फोर्थ ईयर। तो कल हम जैसे यूनिवर्सिटी में हम गए तो प्रोटेस्ट हो रहा था, हमने प्रोटेस्ट किया था तो उसमें एक लेडीज़ कॉन्स्टेबल ने आके एक लड़की को थप्पड़ मारा, मतलब उन्होंने हमें गेट पर जाने नहीं दिया, अंदर बोले कि नहीं जाना। तो जैसे उस लड़की को थप्पड़ मारा वो बोल रही कि हमें बाइट कर लिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और अब उनके खिलाफ जब कंप्लेंट दिया है तो उन्होंने कंप्लेंट हमारी नहीं ली, उन्होंने मेडिकल करवा दिया और हमारी कंप्लेंट अब वो नहीं ले रहे हैं, तो कुछ किया जाए। क्या हुआ आपके साथ? सर हम कल यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ पे हमने अपने पेपरों की डिमांड की थी, वो रिजल्ट था, उन बैग दिया हुआ था, रीदी हुई थी बच्चों की, सारे एक सब्जेक्ट में सारे बच्चे फेल थे, 650 बच्चे एक कॉलेज के थे, तो बहुत सारे कॉलेज थे जिसमें बच्चे फेल थे। वहाँ हमने वीसी साहब से मिलने की कोशिश की तो वो नहीं आए, 5 घंटे हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वो आए, वहाँ लोग लगाने लगे तो पुलिस वाले ने हमें हाथापाई की, एक लेडीज कांस्टेबल ने हम पे हाथ उठाया और हमारे पेट के साइड में चोट लगी। क्या मांग? हम ये मांग करते हैं कि उन पुलिस कांस्टेबल को इस्तीफा दिया जाए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समाज हितों में, राष्ट्र हितों में हमेशा काम करती आई है। कल हम आईजीयू के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसमें लगभग हमारी 10 मांगे थीं, और उसमें आज तक ऐसा हुआ है कि पुलिस ने कई बार हमारे साथ, मतलब यूनिवर्सिटी में एक धक्का मुक्की रही है, पर कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमें पुलिस से कोई ग्रजिज रहे हों। तो कल जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके लिए हमने अब तक लगभग 7 बार ज्ञापन दिए, 3 आंदोलन कर चुके थे, विद्यार्थियों के रिजल्ट में बहुत बड़ी एक कमी थी जिसकी वजह से हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो कल जब विद्यार्थी लगभग 5 घंटे प्रोटेस्ट कर चुके थे और वीसी साहब तब भी मिलने नहीं आए, तब विद्यार्थियों ने जो वीसी गेट चैनल गेट बाहर है उस पर ताला जड़ने की सोची। तो विद्यार्थी जिसमें कि आगे छात्राएं थी, पीछे एबीवीपी के छात्र थे, छात्राएं बेल लेके गेट पे लपेटने जा रही थी, इसी बीच पुलिस बच्चों के साथ हाथापाई करने लग जाती है और छात्राओं को पेट में, मुँह पे, नाक पे, हाथ पे बहुत जगह उन्होंने मारा है। अब एक विद्यार्थी जिसकी 1 साल खराब होने वाली है, क्योंकि 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, उसमें सबसे ज़्यादा कमियां थी, एक विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी गया हुआ है, उसमें पुलिस, इसमें सवाल हमारा इसी साहब से भी साथ साथ अब खड़ा रहेगा कि आपने पुलिस को आगे क्यों किया और पुलिस ने विद्यार्थियों पर हाथ क्यों उठाया। बात यहीं नहीं रुकती है, हमने वहीं भी बोला था कि चलो कोई नहीं, कई बार आदमी टेम्पर लूज़ कर देता है, हमने मैम को बोला कि आप भी पब्लिकली माफ़ी मांग लो, हम यहीं चीज़ इसी चीज़ को यहीं छोड़ देंगे। ऐसा बोलने पे SHO मनोज जी, जो कि धारवाड़ SHO हैं, उन्होंने एक खुली धमकी दी कि मैं एक एक को सुप्रीम कोर्ट ले जा के दिखाऊंगा, मेरा क्या उखाड़ लोगे। उन्होंने मतलब इतने अपशब्द यूज़ किए और छात्राओं के ऊपर उन्होंने इस तरह एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की गई कि भाई आगे से छात्राएं किसी प्रोटेस्ट में ना आए, अपनी मांगे ना उठाएं। ये इस चीज़ को कितने प्रतिशत सही ठहराया जाए? थोड़े दिन पहले एक शीशा भी टूटा था, उसमें भी प्रशासन का सेम रवैया था, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने एक गरिमापूर्ण माहौल को बनाते हुए किसी को कुछ नहीं कहा था। लेकिन ये चीज़ अब बार बार हो रही है, सारे SP साहब, DSP साहब, हमारे SHO साहब, चौकी इंचार्ज साहब, सभी की एक स्टेटमेंट है कि विद्यार्थियों ने ये कर दिया, वो कर दिया। हम सब ने मीडिया को भी, इवन अपने जितने भी नेटवर्क हैं, सभी में ABVP ने वो साफ वीडियो भेजी है
जिसमें आप सभी साफ देख पा रहे होंगे कि कैसे एक महिला पुलिसकर्मी बच्चों को मारने लग रही है। SHO साहब के रिकमेंडेशन पे सीमा मैम ने, जो कि अलेज्ड कॉन्स्टेबल है, उन्होंने बच्चों के ऊपर एक झूठा मुकदमा भी दायर किया है। मतलब एप्लीकेशन उन्होंने लिखी है, उन्होंने मेडिकल कराया, एक पुलिसकर्मी का मेडिकल कराने के लिए सरकारी वाहन की व्यवस्था है। विद्यार्थियों को SHO साहब ने ये बोला, 100 रुपये नहीं आके तुम्हारे पास आ जाते हो यहाँ। अपने हम विद्यार्थी खुद ऑटो करके गए, अपने पैसों से उन्होंने मेडिकल कराया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सुरक्षाकर्मी ही यदि भक्षक बन जाएंगे तो देश में व्यवस्था कैसे चलेगी।